देखिए आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी, और वो भी ह्यूमन बॉडी में इंटरनल पार्ट, जो प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे ज्यादा इसके इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान हमें सबसे ज्यादा देना होता है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर आपका ये थायराइड ग्लैंड्स के पास। ये थायराइड ग्लैंड्स जो है हमारे यानी मनुष्य के गले में होता है, और ये आयोडीन की उपस्थिति में, थायराइड ग्लैंड्स आयोडीन की उपस्थिति में थायरोक्सिन का निर्माण करता है। ध्यान रखेंगे, ये आपका थायरोक्सिन का निर्माण करता है, और इसके लिए जो है आपका आयोडीन का होना ज्यादा जरूरी है। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो अलग से आयोडीन लेना पड़ेगा। जनरली पर्वतीय क्षेत्रों में और तटीय क्षेत्रों में जो समुद्र के किनारे हैं, वहां के लोगों में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति में इसकी कमी से गलकंद रोग हो जाते हैं, जिसको ग्वाइटर रोग कहते हैं, या गलसुआ, या यहाँ पर कंठ गला रोग कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं इसको, ये ध्यान रखेंगे। और इस रोग का कोई अस्थायी उपचार नहीं है। यह अंग ऐसा एक अंग है जो कैल्शियम का उपापचय करता है। मानव शरीर में यदि आपके थायराइड ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव है तो थायराइड ग्लैंड्स कैल्शियम का उपापचय करेगा और हड्डियां मजबूत होगी, लेकिन अगर यह अंग निकाल दिया गया ऑपरेट करके तो व्यक्ति से की आवाज से यानी धीमी आवाज से बोलने लगता है, और उसमें थोड़ा सा स्त्रियोचित गुण आ जाते हैं। ये स्त्रियोचित गुण जो है वो आपके थायरोक्सिन के कम निर्माण के कारण अथवा नहीं निर्माण होने के कारण होता है। अब देखेंगे इसके सीधे निचले पार्ट पर आते हैं, लंग्स पर। ये आपका लंग्स है। लंग्स की आपको मैंने बताया भी था पहले की कक्षा में कि दो पार्ट होते हैं। ये फेफड़ा है जिसको फुफ्फुस भी हम कहते हैं, और फेफड़े जो है हमारे सांस को यानी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, जो वायुमंडल से हम सांस लेते हैं, और यहीं पर हमारा ऑक्सीहेमोग्लोबिन में बदल जाता है। ऑक्सीजन जो है वह आपके ग्लोबिन से यानी कि हेमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सीहेमोग्लोबिन बनाता है, और हमारे पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन को भेजता है। फिर वहां से जो लौट कर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो फिर नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से उसे वापस कर देता है। जनरली वायु प्रदूषण ज्यादा होने से हमारा लंग्स इंफेक्टेड हो रहा है, और दूसरा कारण अधिक कोरोना है। ये हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की पूर्ति को बाधित कर दे रहा है, जिस कारण बड़े पैमाने पर डेथ हुआ है। अभी देखे होंगे ऑक्सीजन के लिए मारा मारी चल रहा था। आपको ये भी बता दें कि इसमें 30 से 40 करोड़ एलुली होती है, रक्त कोशिकाएं होती है, और प्रदूषणकारी स्थितियों में रहने पर ये जो है बंद होने लगती है, जिससे व्यक्ति को खांसी वगैरह होने लगते हैं। इसमें कई बार फंगस इन्फेक्शन भी हो जाता है, एल्गी के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, और दमा वगैरह जिसको एस्मा हम कहते हैं, ये भी लंग्स के प्रभाव से होता है। सबसे ज्यादा आपको पता होगा कि टीबी लंग्स टीबी ही होता है। सबसे ज्यादा विश्व में लगभग 20 लाख लोगों को लंग्स टीबी होते हैं, हालांकि टीबी का 70% इलाज संभव है। आते हैं फिर दूसरे पार्ट पर, कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, ये आपका है। अब आते हैं लीवर के पास। देखिए ठीक लीवर के नीचे छोटा सा ग्रीन टाइप का अंग दिखाई पड़ रहा है, जो आपका बाइल है। अब अगर यहाँ देखते हैं लीवर के बारे में, तो मानव का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है। ऐसे तो सभी अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे भोजन पचाने का काम लीवर ही करता है। यदि हम कोई जहरीला पदार्थ खा लेते हैं तो उसे जो है कम जहरीला बनाता है। आमाशय में यदि या फिर छोटी आंत में यदि या बड़ी आंत में यदि किसी प्रकार का हाई प्रोटीन हो जाने के बाद वह जहरीले गैस अगर डोनर स्केटल के रूप में निकलते हैं तो लीवर उन्हें कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगर हम पॉइजन खा भी लेते हैं तो सबसे पहले प्रभावित होने वाला मनुष्य का लीवर है। भ्रूण जो मां के अंदर होता है उसमें सबसे पहले ब्लड आपके लीवर में ही बनते हैं। लीवर जो है प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तोड़कर यूरिक एसिड में बदलकर किडनी से छनवा कर बाहर निकालने में भी मदद करता है। लीवर जो है यदि खराब हो जाए तो वैसी स्थिति में भोजन से इस बाइल का छनन नहीं होता है,
और जब वायु क्षरण नहीं होगा तो ब्लड में बड़े पैमाने पर पित्त द्रव भर जाएंगे, आंख पीला हो जाएगा, जिसको हम लोग हेपेटाइटिस अथवा जॉन्डिस कहते हैं। अब रहा कि लीवर ही एक ऐसा अंग है, जनरली हम लोग कहते हैं कि लीवर में दर्द होता है, लेकिन लीवर में कोई दर्द नहीं होता है, ये किसी अंग में स्पर्श करने के बाद दर्द होता है। लीवर को हम आसानी से काट कर किसी को डोनेट कर सकते हैं, हम एक डॉक्टर, और ये एकमात्र ऐसा अंग है जो दर्द नहीं होता, तो मानव शरीर में ये स्वयं पर जाता है, मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो स्वयं पर जाता है। लीवर का वजन 1.5 से 2 किलो के बीच होता है, लीवर का वजन 1.5 से 2 किलो के बीच होता है। और ये देखेंगे आपका ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो दाहिने वक्ष गुहा और उदर गुहा दोनों के बीच में यहाँ के आसपास आपका लीवर होता है, जो यहाँ देख रहे हैं। अब जो है लीवर को ही जिगर कहते हैं, क्योंकि हृदय समझ जाता है, लेकिन एक फारसी लफ्ज है लीवर यानी जिगर, और जिगर जो है लीवर को ही कहा जाता है। आपको शायद ये भी पता होगा कि अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो गई, हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो वैसी स्थिति में उस प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है और ग्लाइकोजन के रूप में हमारे पेट के पास संचित कर लेता है। जिस समय में हमें भोजन नहीं मिलता है, उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल कर पुनः ऊर्जा प्रदान करता है। हम लोग का शरीर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की तरह नहीं है कि तेल रहेगा तो चलेगी और नहीं रहेगा तो नहीं चलेगी, बल्कि लीवर उसमें स्टोर कर लेता है, और नहीं भी खाते हैं तो 10 दिन दशहरा में हम लोग चलते हैं फिरते हैं, थोड़ा सा बस केवल जीने जीने के लिए, ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है, तो ये लीवर का ही कमाल है। इसके अलावा लीवर जो है हमारे 4 विटामिन को संचित करके रखता है, आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ए डी ई के लीवर संचित रखता है। तो इस तरीके से हमारा अगर लीवर खराब हो जाता है, ध्यान रखेंगे, तो फिर शरीर पूरी तरह कमजोर होने लगता है, भूख कम लगती है, उल्टियां होने लगती है, इस तरीके की तरह तरह लक्षण इसके दिखाई पड़ते हैं। अब यदि लीवर के हम थोड़ा सा नीचे आए तो ये आमाशय है, आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 2 प्रकार का होता है, सॉरी ये है आपका छोटी आंत बड़ी आंत। तो छोटी आंत में देखेंगे भोजन जो है आंतरिक भाग में ये छोटे 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 पार्ट में घूमता है, ये भोजन जब आपका आता है आहार नाल से आमाशय में, आमाशय से आता है डियोडेनम में, डियोडेनम से पेंक्रियाज में, और पेंक्रियाज से फिर छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर घूमकर भोजन जो है बड़ी आंत होकर मल द्वार से जब ये बाहर निकलता है, तो जब छोटी आंत में भोजन होता है जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का जो है संसूचन की क्रिया होती है, और फिर उदा ए कोलाई नामक सॉरी फिर उसमें इलियम की दीवार होती है जो भोजन में यांत्रिक रस को मिलाकर उसे काफी द्रवीभूत करती है और फिर उसे निचोड़ती है। उस निचोड़ने से जो है हमें कुछ विटामिन प्रोटीन और मिनरल्स मिलते हैं जो सीधे सीधे ब्लड में मिला दिया जाता है, और पदार्थ किडनी छान कर उसे बाहर कर देता है। अब थोड़ा सा यहाँ आते हैं मस्तिष्क के पास, तो आपको शायद पता होगा कि ह्यूमन मस्तिष्क को सामान्यतः 3 भागों में बांटते हैं। सबसे आगे वाला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं सेरिब्रम, बीच वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं मेडुला, और पीछे वाले भाग को कहते हैं सेरिबेलम। याद करने के लिए ये कहते हैं हमारा ब्रह्मांड फट गया, सेरिब्रम मिडिल में है तब मेडुला, अब पीछे है तब बेलना की तरह सेरिबेलम, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, 3 भाग में इसको बांटते हैं। अब अग्र मस्तिष्क में ही आपका पीयूष ग्रंथि होता है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, और पीयूष ग्रंथि जो यहाँ होता है इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह जो है सबसे ज्यादा हार्मोन का निर्माण करता है, इसका वजन 0.6 ग्राम होता है, और पूरे शरीर को नियंत्रण करने का कार्य पीयूष ग्रंथि ही करता है। ये जो मेडुला है ये कान से जुड़ा होता है, मिडिल ईयर से, और ये शरीर को संतुलित करने का कार्य करता है। पश्चिम मस्तिष्क जो है आदतों का संचय करता है। ध्यान रखेंगे इसमें किसी प्रकार की यदि चोट वगैरह लग गई तो ये बनाना काफी मुश्किल हो जाता है, और जान ही रहे कि ब्रेन के डॉक्टर काफी कम है और इसके भी ऑपरेशन करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। अब रही बात आपको हृदय की, तो ध्यान रखेंगे हृदय जो है आपका यहाँ होता है,
यानी कि पूरी तरफ थोड़ा सा बाएं तरफ इसके चार प्रकोष्ठ होते हैं और जो रक्त को भेजने का काम और उसे संसूचित करने का काम करता है। यदि इसके पंपिंग में किसी प्रकार की कमी आ जाए यानी जहरीला पदार्थ खा ले ना सीधा खा ले तो ये धीरे धीरे करता है और यदि खूब हाई वाला खा ले तो फिर जोर जोर से इस प्रकार से धीमी गति से चलना या ज्यादा फास्ट चलना दोनों ही आपके हृदय घात का कारण बनता है। वर्तमान में जो है मोटापा सबसे ज्यादा इसके लिए उत्तरदायी है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से ये ब्लड जो ले जाता है वो आर्टरीज के माध्यम से ले जाता है, वेन के माध्यम से वापस लाता है। अब अगर धमनी में आर्टरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल हो गया जैसे नाला में यदि घास हो गया तो पानी के बहाव अवरुद्ध हो जाते हैं, इसी ढंग से प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है तो हृदय पर प्रेशर पड़ता है और हृदय फेल हो जाने की खतरा रहती है। इसके लिए पेसमेकर लगाया जाता है जिसके उसके पंपिंग सेट को एकदम नियंत्रित करके रखे और आजकल तो मेडिकल यानी कि आर्टिफिशियल ऑलरेडी फाइबर ग्लास का हृदय ही आ गया है जो यहाँ पर लगा दिया जाता है। अब रही बात यह है आपका स्टोमेक, आपको शायद पता होगा ये तो चर्चा हो गया, इसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अमाशय, अमाशय में इनके दो पार्ट होते हैं ऊपरी भाग निचली भाग। ऊपरी भाग में भोजन आधा घंटा रखता है, निचली भाग में भोजन चार घंटा रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका जिसको हम अमाशय क्रस करते हैं वह काफी हाईली एसिडिक होता है और बैक्टीरिया को मार देता है, एंजाइम्स की सक्रियता को बढ़ाता है। छोटे बच्चे में रेनिन होता है जो दूध को फाड़ता है और ठीक इसी ढंग से जो बड़े हो जाते हैं उसमें रेनिन का निर्माण नहीं होता है। पेप्सिन अमाशय में बनता है जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ठीक इसी ढंग से लाइपेज होता है जो वसा को पचाता है, एमाइलेज होता है जो आपके कार्बोहाइड्रेट को यानी मंड को पचाता है और तत्पश्चात भोजन वहां से सीधे डियोडेनम में आ जाता है। अब डियोडेनम से भोजन जो है सीधे पैंक्रियाज में आता है, तत्पश्चात छोटी अंग बड़ी अथवा कर्ण द्वार के माध्यम से बाहर हो जाता है। लेकिन एक अंग और दिख रहा है आपका यहाँ पर किडनी। मानव शरीर के सबसे जरूरी अंग जो है किडनी इसलिए माना जाता है क्योंकि ब्लड में जितने भी हमारे अवशिष्ट पदार्थ है उसको फिल्टर करता है और फिर उसे मूत्र के माध्यम से बाहर करता है। शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग हमारा ये किडनी है। दोनों किडनी में से एक ही किडनी एक समय में काम में रहता है, यदि डिस्टर्ब होने लगा तो एक दूसरे को परस्पर चेंज करके वो काम चलाते हैं और दोनों ही किडनी डिस्टर्ब हो गया तो डायलिसिस पर व्यक्ति को रखना पड़ता है। आज के समय में जंक फूड खाने से जो दुकानों पर हम जहां तहां खा लेते हैं किडनी ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है। अतः इन सब पार्ट्स को डिटेल एक एक करके टॉपिक हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।